नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे पूरी दुनिया द ग्रेट अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर महान के नाम से जानती थी। आपको याद होना चाहिए इनकी पूरी बायोग्राफी कवर करेंगे हम लोग, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और याद रखिए, कई लोगों की हम लोग बायोग्राफी पहले भी कवर कर चुके हैं, जैसे चाणक्य हो गया, अन्ना हजारे, अभी आपके वर्तमान में एक तरह से आप समझिए कि गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं। और आप समझ सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी देश के नाम कर दी है। आपको सूचना का अधिकार देख लीजिए, फिर चाहे आपका लोकपाल देख लीजिए, उनकी ही देन है एक तरह से कह सकते हैं आप लोग। तो उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और हमारे जो पुराने नेता हुआ करते थे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता था। तो पूरा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी की बायोग्राफी कवर की हुई है। और राष्ट्रपतियों में अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लगाकर आपके जो कोविंद साहब हैं उन सब की बायोग्राफी कवर की हुई है। गांधी की हम लोगों ने बात की है, और भी जितने लोग चर्चित रहते हैं उनकी भी हम लोग बायोग्राफी कवर करते हैं। और आने वाले दिनों में आपके इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। तो ये सभी आपकी क्लास में बायोग्राफी के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है। ठीक है, आज हमें बात करनी है सिकंदर के बारे में। इतिहास में वैसे तो आपने देखे हैं बहुत सारे राजा हुए, लेकिन एक ही ऐसा राजा हुआ जिसके नाम के आगे पूरी दुनिया क्या लिखती है, महान लिखती है, महान सिकंदर। वो अलेक्जेंडर जिन्हें पूरी दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है। याद रखिए, अलेक्जेंडर इनका दूसरा नाम है। कई जगह आप देखते हैं अलेक्जेंडर लिखकर आ जाता है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। इतिहास में भी सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माने जाते हैं। इतिहास में सिकंदर के साहस और वीरता के किस्से आम हैं। और वैसे आप लोगों को समझना चाहिए कि आज अगर जो भी आप काम कर रहे हैं वो कल आने वाला इतिहास है। समझ रहे हैं? आज से कई पीढ़ी बाद देखिएगा, हमारे जो भी बच्चे होंगे वो हमारे बारे में पढ़ रहे होंगे। आज जो भी हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि आज गांधी जी को और नेहरू को आप लोग गाली दे रहे हैं। हम सब आप देखते रहते हैं ना सोशल मीडिया पर, हो सकता है इससे बुरी बुरी गालियां हम लोगों को पड़े आने वाले दिनों में, क्योंकि आज हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बोलना भी एक तरह से क्रांतिकारी हो गया है, यानी कि बोलना, सच बोलना भी एक आंदोलन से कम नहीं है इस समय। देख रहे हैं आप लोग, इस दुनिया में कई महान लोग आए लेकिन सिकंदर सिर्फ एक ही था। सिकंदर का नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों पर जिंदा है, बल्कि भारतीय सिनेमा में भी सिकंदर की महानता पर कई फिल्में और कई तरह के गाने भी लिखे हैं। और तो सिकंदर के नाम पर एक कहावत भी है। ये पिक्चर्स देख रहे हैं, देखिए पिक्चर्स उनकी क्लियर नहीं है पता किसी को, क्योंकि आप समझ रहे हैं कब की बात है, प्राचीन भारत की, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य समय की बात है। समझ रहे हैं? तो इतना उस समय ना तो इस तरह के आपके कैमरे हुआ करते थे, ना ही कोई तो बस बना दी गई है चित्रकारों के द्वारा, तो उसी को हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। अगर हम लोग सिकंदर के जन्म की बात करें, अलेक्जेंडर या सिकंदर, तो इनका जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ। 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में, 356 समझ रहे हैं, ईसा पूर्व मतलब BC, ईसा के 356 वर्ष पूर्व हुआ। ईसा के जन्म की पूर्व जो 356 है उसे 356 ईसा पूर्व हुआ, यानी कि BC में। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, पेला में, जो प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था। इनके बाप का क्या नाम था, फिलिप द्वितीय, जो मैकडोनिया और ओलंपिया के राजा थे। इसके पड़ोसी राज्य एपीरोस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी माँ थी। अलेक्जेंडर के नाना राजा नियो नियोटोलेमस थे। तो आपको याद रखना है इनका जन्म कब हुआ, 356 ईसा पूर्व में, और इनके पिता का नाम क्या था, फिलिप द्वितीय, और माता का नाम था ओलंपिया, और इनके जो नाना थे उनका नाम था राजा नियोटोलेमस। ठीक है, अलेक्जेंडर की एक बहन भी थी। इन दोनों में की परवरिश पेला के शाही परिवार में हुई थी। उन्होंने अपने पिता को ज्यादातर समय सैन्य अभियानों या फिर विवाहोत्तर संबंधों में व्यस्त ही देखा, लेकिन उनकी माँ ने अलेक्जेंडर और उनकी बहन की परवरिश में बहुत ध्यान दिया।
और एक बात हमेशा याद रखिए, मुझे लगता है कि बेटों पर जितने भी बेटे होते हैं उन बाप का साया, यानी कि बाप जो भी कर रहा हो उसका फर्क तो पड़ता है, क्योंकि आपने देखा है इनके पिताजी भी हर समय युद्धों में बीते रहते थे, संघर्ष मतलब एक तरह से चलता रहा उनका। अलेक्जेंडर की शिक्षा की बात करें अगर हम लोग, तो अलेक्जेंडर अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार दी स्टर्न लियोनेडास ऑफ एपिरूस से ली, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी, धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन वो अलेक्जेंडर के उग्र और विद्रोही स्वभाव को नहीं संभाल सके। इसके बाद अलेक्जेंडर के शिक्षक लाई लाइसेमेक्स थे, जिन्होंने अलेक्जेंडर के विद्रोही स्वभाव पर नियंत्रण किया और उसे युद्ध की शिक्षा दीक्षा दी। आप समझिए कि उस समय इस तरह, आज समझ रहे हैं विज्ञान आपको पढ़ाया जा रहा है, उस समय युद्ध की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि आपको आगे जाके करना क्या है, युद्ध ही तो लड़ना है, तो उसी की शिक्षा दी जाएगी। अगर किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को मंदिर में पूजा करनी है, तो उसी उसकी शिक्षा दी जाती थी, समझ रहे। जब वह 13 वर्ष के हुए तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु कहा जाता है, ये आपने सबसे ज्यादा सुना होगा कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, अरस्तु, इनका नाम अधिक आता है। अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी और वाक्पटुता भी दिखाई। इसके अलावा अरस्तु ने सिकंदर का रुझान विज्ञान, दर्शन, शास्त्र और मेडिकल के क्षेत्र में भी जगाया। ये सभी विधाएं ही कालांतर में सिकंदर के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गई, यानी कि चाणक्य से कम नहीं है इनके पास भी शिक्षा। आप देखते हैं चाणक्य को, फिर चाहे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ले लीजिए, राजनीति में ले लीजिए, विद्वानी में ले लीजिए, जो चाणक्य थे वो हर क्षेत्र में मतलब एक कामयाब विद्वान थे, उसी तरह इन्हें भी शिक्षा हर क्षेत्र की दी गई। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर और उनका युद्ध कौशल। अलेक्जेंडर ने अपने पिता द्वारा मैकडोनिया को एक सामान्य राज्य से महान सैन्य शक्ति में बदलते देखा था। अपने पिता की बालकंस में जीत पर जीत दर्ज करते हुए देखते हुए सिकंदर बड़ा हुआ है। आप सोचिए कि जिसके, आप ही सोचिए, कहीं ही आपको देखेगा कि युद्ध युद्ध में कोई लड़का बड़ा हो रहा है, तो वो लगभग आप समझ रहे हैं कि एक योद्धा ही बन जाएगा लगभग, क्योंकि आपकी परिवेश के आसपास जो चल रहा होगा उसी में आप ढल जाते हैं एक तरह से। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी। ये उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े व्यू सेफिलास के में को काबू में किया था, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं पा रहा था। इसके बारे में प्लूटार्क ने लिखा है कि फिलिप और उनके दोस्त पहले चिंता भरी खामोशी से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, और ये मान रहे थे कि फिलिप के पुत्र का करियर और जीवन अब खत्म होने वाला है। लेकिन अंत में उन लोगों ने जब सिकंदर की जीत को देखा तो खुश होकर तालियां बजाने लगे। सिकंदर के पिता जो थे उनकी आंखों में आंसू आ गए, जो कि खुशी और गर्व के आंसू थे। वो अपने घोड़े से नीचे उतरे और उन्होंने अपने बेटे को गले या किस करते हुए कहा कि मेरे पुत्र, तुमको खुद ही की तरफ और इस महान साम्राज्य की तरफ देखना चाहिए। एक मैकडोनिया का राज्य तुम्हारे सामने बहुत छोटा है, तुम में असीम प्रतिभा है। अलेक्जेंडर ने अपने जीवन के कई युद्धों में ब्रुसेफल्स की सवारी की और अंत में वो घोड़ा उनके साथ रहा। यही वो घोड़ा है, इसके नाम पर आपने सुना होगा कि कई शहर भी बसाए गए घोड़े के नाम पर। अब बात करते हैं हम लोग 340 ईसा पूर्व में, यानी कि 340 BC की बात की जा रही है। 340 BC में जब फिलिप ने अपनी विशाल मैकडोनियाई आर्मी को एकत्रित करके थ्रेस में घुसपैठ शुरू की, तब उसने अपने 16 वर्ष के पुत्र सिकंदर को मैकडोनिया राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया था। इससे ये पता चलता है कि इतनी कम उम्र में ही सिकंदर को कितना जिम्मेदार माना जाने लगा है। और आज की आप जिम्मेदारी की कहिए तो 30 साल, 25 से 30 साल तक, 30 साल तक कम से कम आज तक बचकाना रहता है, कोई मतलब फैसले लेने की हिम्मत नहीं होती है अधिकतर लोगों में, या तो परिवार की मतलब एक बच्चों की तरह हरकत करते रहेंगे, समझ रहे हैं। और उस समय देखिए 16 साल, कोई 12 साल, कोई 10 साल में मतलब अपने कर्तव्य दिखा देता था, अपनी प्रतिभा को निखार लेता था। और इस समय देखिए आप लोग, बुढ़ापे तक आपका बचकाना ही बना रहता है।
जैसे जैसे मैकडोनियाई आर्मी ने थ्रेस में आगे बढ़ना शुरू किया, मेडी की थ्रेसियन जनजाति ने मैकडोनिया की उत्तर पूर्व सीमा पर विद्रोह कर दिया, जिससे देश के लिए खतरा बढ़ गया। सिकंदर ने आर्मी इकट्ठी की और इसका इस्तेमाल विद्रोहियों के सामने शुरू किया और तेजी से कार्रवाई करते हुए मेडी जनजाति को हरा दिया, इनके किले पर कब्जा कर लिया और इसका नाम उसने खुद के नाम पर एलेक्जेंडो पोलिस रखा। आप समझ रहे हैं, एक बात और याद रखिए कि वही व्यक्ति इतिहास में याद रखा जाता है जो अंतिम समय तक अपना काम करते रहे अपनी ईमानदारी से। अब सिकंदर को ही ले लीजिए, लास्ट तक लड़ते लड़ते यानी कि लास्ट तक लड़ता रहा जब तक कि मौत ने उसे गले नहीं लगा लिया। तो ऐसे लोगों को इतिहास हमेशा याद रखता है। दो वर्ष बाद यानी कि आपका 338 ईसा पूर्व में फिलिप ने मैकडोनियाई आर्मी के ग्रीस में घुसपैठ करने पर अपने बेटे को आर्मी में सीनियर जनरल की पोस्ट दे दी। चेरोनिया की युद्ध में ग्रीक की हार हुई और सिकंदर ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए ग्रीक फोर्स थेबंस सीक्रेट बैंड को खत्म कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मैकडोनियाई की ये जीत पूरी तरह सिकंदर की वीरता आधारित थी, यानी कि सिकंदर की इसमें सबसे ज्यादा योगदान था, उन्हीं के योगदान के कारण ये जीत मिली थी। अगर हम लोग परिवार के यानी कि सिकंदर के परिवार का बिखरना और फिलिप द्वितीय की हत्या की बात करें तो चेरोनिया में ग्रीक की हार के बाद शाही परिवार बिखरने लगा। फिलिप ने भी किले ओप्टेरा से शादी कर ली और शादी के समारोह में किले ओप्टेरा के अंकल ने फिलिप के न्याय संगत उत्तराधिकारी होने पर सवाल लगा दिया। सिकंदर ने अपना कप उस व्यक्ति के चेहरे पर फेंक दिया और उसे बास्टर्ड चाइल्ड कहने के लिए अपना क्रोध व्यक्त किया। फिलिप खड़ा हुआ, उसने सिकंदर पर अपनी तलवार तानी जो कि उसके अर्धचेतन अवस्था में होने के कारण चेहरे पर ही गिर गई। सिकंदर जब तब क्रोध में चिल्लाया कि देखो यहाँ वो आदमी खड़ा है जो यूरोप से एशिया तक जीतने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस समय अपना संतुलन खोए बिना एक टेबल तक पार नहीं कर सकता। इसके बाद उसकी माँ को साथ लिया और एपिरिस की तरफ चला गया। हालांकि उसे लौटने की अनुमति थी, लेकिन इसके बाद काफ़ी समय तक सिकंदर मैकडोनियाई कोर्ट से बिलग ही रहा। यहाँ सीधा सा कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि कभी कभी आपने देखा है कि किसी की बेइज्जती की जाती है और किसी को मतलब ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए आप कोई भी कदम उठाते हैं, कभी उस कदम को वो सच में मान लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो इनके साथ भी, सिकंदर के साथ भी यही देखा गया है आपका। और इन्हें वापसी आने की, अपने राज्य में आने की छूट थी, लेकिन इन्होंने देखा कि देखिए पीछे नहीं मुड़ के देखा। वो यही सिकंदर की खासियत रही हमेशा कि उन्होंने कभी भी अपना पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, एक जीत पर जीत करते आगे बढ़ते गए। अगर हम लोग अलेक्जेंडर का सत्ता अधिग्रहण की बात करें तो 336 BC यानी कि 336 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर की बहन ने मोलोसियन के राजा से शादी की। इसी दौरान होने वाले महोत्सव में पोसानियास ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी और अपने पिता की मृत्यु के समय अलेक्जेंडर 19 वर्ष का था। यानी कि कहने का मतलब जब सिकंदर के पिता की हत्या हुई उस समय सिकंदर आपका 19 साल का था। कितना? 19 साल का था। उसने सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। उसने मैकडोनियाई आर्मी के सस्यागार के साथ जनरल और फौज को एकत्रित किया जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो केरोनिया से लड़ी थी। सेना ने अलेक्जेंडर को सामंती राजा घोषित किया और राजवंश और उसकी राजवंश के अन्य वारिसों की हत्या करने में मदद भी की। ओलंपिया ने भी अपने पुत्र की इसमें मदद की और उसने फिलिप और किले ओप्टेरा की पुत्री को मार दिया और किले ओप्टेरा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि इस युद्ध में सिकंदर की मां ने भी सिकंदर का साथ दिया। अलेक्जेंडर के मैकडोनिया के सामंती राजा होने के कारण उसे कोरिंथियन लीग पर नियंत्रण ही नहीं मिला बल्कि ग्रीस के दक्षिणी जो राज्य थे उनने फिलिप द्वितीय की मृत्यु का यानी कि मरने का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया और उन्होंने विभाजित और स्वतंत्र अभिव्यक्ति शुरू कर दी। एथेन के पास भी एक खुद का एजेंडा था। डेमोक्रेटिक डेमोस्थेनेस
कि नेतृत्व में राज की को लीग का चार्ज मिलने की आशा थी। उन्होंने जैसे ही स्वतंत्र आंदोलन शुरू किया और अलेक्जेंडर ने तुरंत अपनी आर्मी को दक्षिण में भेजा और उन्हें अपना नेतृत्व मानने के लिए कहा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 336 ईसा पूर्व के अंत तक कॉर्निथियन लीग से संबंधित शहरों ने ग्रीक राज्यों के साथ पुनः संधि कर ली, जिनमें एंथेस ने इसके लिए मना कर दिया और अपने सबल सेना को पार्सियन राज्य के खिलाफ लड़ने को भेज दिया। लेकिन युद्ध की तैयारी करने से पहले अलेक्जेंडर ने 335 ईसा पूर्व में थ्रासियन जनजाति को पराजित करके मैकडोनिया की उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। अगर हम लोग अलेक्जेंडर का विजय अभियान की बात करें तो सिकंदर जब अपनी उत्तरी अभियान को खत्म करने के करीब था, तब उसे खबर मिली कि ग्रीक राज्य के शहर थेवेस ने मैकडोनियन फौज को अपने किले से भगा दिया। अन्य शहरों के विद्रोह के डर से अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने अपनी सेना के साथ दक्षिण का रुख किया। इन सब घटनाक्रमों के दौरान ही अलेक्जेंडर के जनरल परनियन ने एशिया की तरफ अपना मार्ग बना लिया, यानी कि आपकी तरफ, हमारे भारत की तरफ, भारत हमारा एशिया में ही तो है, तो एशिया की तरफ अपना मार्ग बना लिया। अलेक्जेंडर और उसकी सेना थेबिस में इस तरह से पहुंची कि वहां उसकी सेना को आत्मरक्षा तक का मौका नहीं मिला, यानी कि संभलने का भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। अलेक्जेंडर का मानना था कि थेबिस को तबाह करने पर अन्य राज्यों पर भी उसका डर कायम होगा। ये वैसा ही हाल है कि आपने सुना होगा कि राजा क्या किया करते थे कि एक राज्य पर बड़ा अत्याचार कर दिया करते थे, तो दूसरे आसपास के जो भी राज्य हुआ करते थे उस राजा से डरने लगते थे। आपने पद्मावत मूवी देखी है ना, उसमें जिस तरह से आपने देखा है अलाउद्दीन खिलजी अपना डर बनाए रखता है, उसी तरह ये भी थे। उसका यह अंदेशा सही साबित हुआ। ऐसा करने पर एंथेस के साथ ग्रीक के अन्य शहर भी मैकडोनियन राज्य के साथ संधि करने को तैयार हो गए। फिर आते हम लोग 334 ईसा पूर्व में, यानी कि 334 BC में पहुंचते हैं। अलेक्जेंडर ने एशियाई अभियान के लिए नौकायन शुरू किया और उस वर्ष की वसंत में ट्रॉय में पहुंचा और अलेक्जेंडर ने ग्रेंसियस नदी के पास पार्सियन राजा डारियस तृतीय की सेना का सामना किया और उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। पतझड़ के आने पर अलेक्जेंडर और उसकी सेना ने दक्षिण समुद्र किनारे को पार करते हुए एशिया माइनर से गोर्डियम में प्रवेश किया, जहां पर सर्दियों के समय तो उन्होंने सिर्फ आराम ही किया। आप समझ रहे हैं, मतलब कभी भी मुझे नहीं लगता है कि कभी आपको देखने को मिले कि इन्होंने किसी हार का सामना किया। जो भी युद्ध इन्होंने लड़ा उनमें सब में विजयी हुए। आपका 333 ईसा पूर्व की बात की जा रही, ठीक है, BC 333 BC की गर्मी में अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की सेना और डारियस की सेना के मध्य एक बार फिर से युद्ध हुआ। हालांकि अलेक्जेंडर की सेना में ज़्यादा सैनिक होने के कारण उसकी फिर से एक तरफा जीत हुई और अलेक्जेंडर ने डारियस से को पकड़कर तड़ी पार करके खुद को पारसिया का राजा घोषित कर दिया। अलेक्जेंडर का अगला लक्ष्य था इजिप्ट, क्या इजिप्ट को जीतना था। गाजा की घेराबंदी करके अलेक्जेंडर ने आसानी से इजिप्ट पर कब्जा कर लिया और 331 ईसा पूर्व में उसने जांदिया शहर का निर्माण किया, यानी कि अपने नाम पर ही, और ग्रीक संस्कृति और व्यापार के लिए उस शहर को केंद्र बनाया। उसके बाद अलेक्जेंडर ने गोग मेला के युद्ध में पर्सिया को हरा दिया और पर्सियन आर्मी की हार के साथ ही अलेक्जेंडर बेबीलोन का राजा बन गया, एशिया का राजा और दुनिया के चारों कोनों का राजा बन गया। कौन? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का अगला जो लक्ष्य था वो था ईस्टर्न ईरान था, जहां उसने मैकडोनियन कॉलोनी बनाई और अरीमा जेस में 327 किलों पर अपना कब्जा जमाया। फ्रेंस ऑग्जियार्टिस को पकड़ने के बाद उसने फ्रेंस की बेटी रोक जाना से विवाह भी कर लिया। किसने? सिकंदर महान ने। अब चलता है भारत की ओर।
तो 328 ईसा पूर्व में, यानी कि 328 बीसी में अलेक्जेंडर ने भारत में पोरस की सेना को हराया, लेकिन वो पोरस के पराक्रम के से बहुत प्रभावित हुआ, उसे वापिस राजा बना दिया। आपने सुना होगा कि पोरस से जब उसने पूछा कि आपके साथ हारने की बात की, आपके साथ क्या करना चाहिए, तो पोरस का कहना था कि जो अन्य राजाओं के साथ एक राजा करता है उसी के साथ वही व्यवहार करना चाहिए उसके साथ, लेकिन उसकी बहादुरी से खुश होकर उसे वापस राजा बना दिया उस क्षेत्र का। अलेक्जेंडर ने सिंधु के पूर्व की तरह बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, वापस लौटने को कहा। 325 बीसी में अलेक्जेंडर ठीक होने के बाद अपनी सेना के साथ उत्तर की तरफ पर्शियन खाड़ी के सहारे का रुख किया। उस समय बहुत से लोग बीमार पड़ गए, कुछ चोटिल भी हो गए, तो कुछ की मृत्यु भी हो गई। अपने नेतृत्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए उसने पर्शिया के प्रबुद्ध जनों को मैकडोनिया के प्रबुद्ध जनों से मिलाने का सोचा, जिससे एक शासक वर्ग बनाया जा सके। इसी क्रम में उसने मैकडोनिया के बहुत से लोगों को पर्शिया की राजकुमारियों से शादी करवाई। याद रखिए, आगे बढ़ने का कई बार कहते हैं कि इसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि ये बहुत टाइम से युद्ध लड़ रहे थे, तो थक चुके थे। और एक बात और इसमें जोड़ी जाती है कि परिवारों से बिछड़ना भी इनका एक तरह से आगे ना बढ़ने का कारण था, क्योंकि बहुत टाइम से ये लोग परिवार से अपने नहीं मिले थे, तो इन्होंने इसलिए आगे बढ़ने से मना कर दिया। अलेक्जेंडर ने जब 10,000 की संख्या पर्शियन सैनिक अपनी सेना में नियुक्त कर लिए, तो उसने बहुत से मैकडोनियाई सैनिकों को निकाल दिया। इस कारण सेना का बहुत बड़ा हिस्सा उससे खपा हो गया और उन्होंने पर्शियन संस्कृति को अपनाने से ही भी मना कर दिया। अलेक्जेंडर ने जब तब 13 पर्शियन सेना नायकों को मरवाकर मैकडोनियन सैनिकों का क्रोध शांत किया। इस तरह सुसा में पर्शिया और मैकडोनिया के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए किया जाने वाला आयोजन सफल नहीं हो सका। अब ये तो परिणाम तभी आप समझ सकते थे कि जब समझिए कि ये आगे बढ़ता सैनिक, तो हो सकता था कि भारत पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लेता। अब बात करते हैं अंतिम यात्रा यानी कि इनकी मरने की। कार्थेज और रोम पर विजय प्राप्त करने के बाद अलेक्जेंडर की मृत्यु मलेरिया रोग के कारण बेबीलोन में हो गई, यानी कि इनकी मृत्यु कोई युद्ध लड़ते हुए नहीं हुई, मलेरिया रोग के कारण हो गई। अगर ये कुछ दिन और जिंदा रहते तो आगे की कहानी और दिलचस्प हो सकती थी। अलेक्जेंडर की मृत्यु होती है 13 जून 323 बीसी में, यानी कि 323 बीसा में बीसी यानी कि ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब वह मात्र 32 वर्ष के थे। कितने? 32 वर्ष के थे, फिर भी देखिए कितना काम, कितनी वीरता से लड़ते रहे। उनकी मृत्यु के कुछ महीनों बाद ही उनकी पत्नी रोगजाना ने एक बेटे को जन्म दिया और उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और इसमें शामिल देश आपस में शक्ति के लिए लड़ने लगे। ग्रीक और पूर्व के मध्य हुए सांस्कृतिक समन्वय का अलेक्जेंडर के सामान साम्राज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो याद रखिए, आपके यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ उसके द्वारा सभी राज्यों को जीता गया, ये इसी समय की बात है, क्योंकि आपने देखा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उसने भांप लिया था कि हमारे देश में भारत में एकता नहीं है और इन्हें आराम से हराकर इन पर कब्जा यानी कि इन पर शासन किया जा सकता है, उसी का फायदा उसने उठा के ये किया। कहा जाता है सिकंदर की अंतिम इच्छा क्या थी, वही सिकंदर की मौत के बाद जब से उसके पार्सी शरीर को ले जाया जा रहा था तो उसने उसके दोनों हाथों को कफन नहीं उड़ाया गया था, अर्थात उसके दोनों हाथ लटक रहे थे, क्योंकि सिकंदर चाहता था कि उसके दोनों हाथ अर्थी के बाहर रहे ताकि सारी दुनिया देख ले कि उसके भी साथ हाथ खाली है। ये गाना भी आप लोगों ने सॉन्ग भी सुनते रहते हैं कि सिकंदर हाल क्या लेकर आया था, हाथ खाली जाया, इस तरह के गाना नहीं है बहुत सारे बनाए गए, यानी कि आप समझिए कि इससे सीख आपको यही दी जा रही है कि सारी दुनिया को जीतने के बाद भी वो व्यक्ति खाली हाथ ही गया, कुछ नहीं ले गया, अर्थात जिसने दुनिया जीत ली और जिसने अपनी मुट्ठी भर में सब कुछ भर लिया और जाते वक्त उसके भी हाथ खाली रहे। बहरहाल ये तो नियम का विधान है कि जैसे ही इंसान खाली हाथ आता है
वैसे ही वो खाली हाथ उसे जाना भी है, फिर चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो। फिलहाल किसी से भी हार नहीं मानने वाले सम्राट सिकंदर ने हर कबीले पर पत्थर किया जिसे वह चाहता था, जाहिर है कि दुनिया चाहता था, और तब तक पूरी बहादुरी से लड़ा जब तक कि उसने अपनी आखिरी दुश्मन का सिर नहीं झुका दिया। एक बात मैंने हमेशा याद रखी, आप जिस भी क्षेत्र में, ये नहीं है कि आप युद्ध लड़ रहे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तब भी आप इतनी ही सख्ती से अंतिम तक प्रयास करते रहिए। हार जीत ये अलग बात हो जाती है, प्रयास ना करना, अपनी पूरी शक्ति से ना लगना, ये अलग बात हो जाती है। जाहिर है कि दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और अपने ख्वाबों को जीते और हमें अपने पथ में आगे बढ़ते हैं। और ऐसे नामों में सबसे ऊंचा नाम महान सिकंदर, विजेता, विश्व विजेता सिकंदर का है, जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। इतिहास जब तक भी रहेगा, जब तक इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये कहानी थी आपके सिकंदर की। आगे हम लोग बात करेंगे अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है।